हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलन। हमें सॉल्व करना क्या 1/2 of 10। मुझे 1/2 मतलब 1/2 निकालना है किसका, 10 का। 1/2 कितना, हाफ। 10 का हाफ हमारा कितना होगा, तो 1/2 of की जगह हमारा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और ये 10। अब देखो 10, इसे हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 10 1 जा 10, अपॉन में कितना है 2। अब 2 की टेबल 10 तक बोलो, 2 5 जा 10। अब हमें पता लग गया कि 1/2 मतलब 10 का हाफ कितना होता है, 1/2 कितना होता हमारा 5 होता है। ओके, ऐसे 1/4 of 20, मुझे 1/4 निकालना किसका, 20 का, तो मल्टीप्लाई 20, तो 4 5 जा कितना हो जाएगा 20। या आप इसको पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, अब 5 1 जा 5 हो जाएगा। ओके, तो 1/4 of 20 कितना होता, 5 होता है। ओके, ऐसे 2/6 of 18, मुझे 2/6 निकालना किसका, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई 18 का। अब देखो चाहे तो आप 18 2 जा कितना हो जाएगा, 18 की टेबल बोलोगे, 18 2 जा 36 अपॉन 6। अब 6 की टेबल 36 तक बोलनी, तो भाई 6 की टेबल अगर 36 तक बोलोगे तो 6 6 जा कितना होता हमारा 36। इट मीन्स कितना आ जाएगा हमारा आंसर 6। क्या 2/6 of 18 कितना होता है, 6 होता है। ओके, यही हमारा आगे कितना है, 1/4 of 56, तो 1/4 of (56). ओके, 56 1 जा कितना हो जाएगा भाई, 56 हो जाएगा, और अपॉन 4। अब इसका डिवाइड कर सकते हैं आप, 56, 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1, ये 6, 4 4 जा 16, हमारा आंसर कितना है 14। इट मीन 1/4 of 56 कितना होता हमारा 14। ओके, ऐसे 1/5 of 45, 1/5 of का मतलब मल्टीप्लाई 45, भाई मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, 45 1 जा कितना होता 45, अपॉन में कितना है 5। अब 5 की टेबल 45 तक बोलोगे, तो 5 9 जा कितना होता हमारा 49, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। ओके, 1/9 of 63, भाई 63 1 जा कितना हो जाएगा, 63, अपॉन में 9 है, 9 7 जा 63, आंसर हमारा 7 आ जाएगा। 4/5 of 100, ठीक है, 5 2 जा 10 और ये 0, कितना है हमारा 4 × 20 कितना हो जाएगा भाई, 4 2 जा कितना होता, 8 होता और ये 0, 80 हो जाएगा। तो इस ढंग से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।